I am Dr. Devendra Kotia. I am an orthopedic surgeon working in JNU Hospital and Medical College. Today we will discuss how to remain fit during this lockdown period. आप सभी को पता है हम last 2-3 months से इस corona pandemic crisis को face कर रहे हैं. We have to follow the protocols told by our government. During this lockdown period, we have to stay at our home to stay safe. We are washing our hands repeatedly. We are using mask. We have to maintain the social distancing. We have to remain at our home to stay safe. But safe रहने के साथ साथ हमें fit भी रहना है. And why this exercise is important? Exercises are important to prevent us from diabetes, hypertension, cardiovascular diseases and obesity. At least 30 to 60 minutes exercises are important. Sirf old age peoples ke liye nahi, even for the young peoples and adolescent age peoples, exercises are important. Lockdown period mein, we have to avoid the parks, joggings, we have to avoid swimming, cycling, we have to avoid the gyms. और हम इन सब चीजों को कब तक अवॉइड करना पड़ेगा ये नहीं पता. हमें काफी लंबे समय तक हम इन चीजों से दूर रहते हुए, पार्क्स, जिम से दूर रहते हुए फिट रहना पड़ेगा. फिट रहने के लिए हमें लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड स्पेस में घर में रहते हुए फिट रहना है. हम एक्सरसाइज के लिए वॉक कर सकते हैं होम के ऊपर, रूफ के ऊपर. वी यूज स्टेयर्स अप एंड डाउन. We can do yoga, we can do meditations, breathing exercises कर सकते हैं, long long कर सकते हैं. हमें अपने joints को move रखना है, strengthening exercises कर सकते हैं, stretching exercises कर सकते हैं. हमें अपने cervical, back, abdomen, knee and shoulder exercises घर पे रहते हुए fit रह सकते हैं. हम online classes या TV का use कर सकते हैं exercise करने के लिए. कुछ एंटरटेनिंग चीजें भी कर सकते हैं फिट रहने के लिए, जैसे स्किपिंग रोप. वी कैन डू डांस एज वेल टू रिमेन फिट. फिट रहने के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पोस्चर. गुड पोस्चर रखना है टू अवॉइड सर्वाइकल पेन एंड बैक पेन्स. गुड पोस्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हमें घर से काम करना पड़ रहा है. हमें लंबे टाइम तक सिटिंग में पोस्चर में नहीं रहना है. हमें बीच बीच में अपने मूवमेंट्स करने हैं, बीच बीच में एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज एंड पोस्चर के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट में हमें फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स. वी कैन यूज फूड्स हैविंग रिच इन मिनरल्स एंड विटामिंस. प्रोटीन्स ज्यादा लेना है. हमें बार बार पानी पीना है. वी हैव टू यूज टेक मोर एंड मोर मिल्क. इन सब हेल्दी डाइट को लेके हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं, फिट भी रह सकते हैं. इन सब चीजों के साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वह है स्लीप. स्लीप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है जिससे कि हम इस कोरोना वायरस से बच सकें. स्लीप के साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ मेंटल फिटनेस. तो फिजिकल फिटनेस के साथ हमें मेंटली भी फिट रहना है. मेंटली फिटनेस रहने के लिए हमें वो बुक्स पढ़नी है जो हमें पसंद हो. नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं. वी कैन इंटरेक्ट विद आवर फैमिली मेंबर्स. वी कैन स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद देम. वी कैन प्ले विद देम, प्ले विद द यंगर पीपल एंड एल्डरली पीपल. द इंडोर गेम्स का हम बार बार यूज कर सकते हैं टू रिमेन मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. So, आज का हमारा मंत्र है स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट एंड विश यू ऑल हेल्दी एक्टिव लाइफ. थैंक यू वेरी मच.